नेशनल हॉस्पिटल से आए हैं। मैं हूँ डॉक्टर तेजल, ये हमारी टीम है फोर्थ ईयर की और वो है इंटर्न्स हमारे साथ। ठीक है, हम लोग आज आए हैं वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व करने, जागतिक कैंसर दिन, ये चीज सेलिब्रेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। अभी ये चीज क्यों आई है, यूजुअली ये स्टार्ट हुआ था 2000 में, जो ईयर 2000 है तब से स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जन ऐसे हैं जिनको कैंसर रिलेटेड कुछ पता नहीं है, कैंसर कैसे होता है, कैसे समझना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो अपन थोड़ा थोड़ा अगर प्रिवेंट करें, अवॉइड करें, तो अपन कैंसर से बच सकते हैं। ये चीज़ समझने के लिए कैंसर डे सेलिब्रेट होना चालू हुआ है। ये हुआ था 2000 से, ठीक है, 4 फरवरी को इसके लिए स्टार्ट हुआ था। जो उनकी मीटिंग हुई थी पेरिस में, वो हुई थी 4 फरवरी के पास, तो तब से उन्होंने स्टार्ट किया कि ये डे पे हम लोग कैंसर डे सेलिब्रेट करेंगे। जो वर्ल्ड कैंसर डे है, जागतिक जो सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं 4 फरवरी को, और जो इंडिया में करते हैं नेशनल कैंसर डे करते हैं वो करते हैं 17 नवंबर को। ठीक है, अभी हर ईयर कैंसर डे अगर सेलिब्रेट होता है तो उसकी थीम होती, कोई विषय होता है, तो इस बार है क्लोज द केयर गैप। अभी इसका मतलब मैं बताती हूँ, जो भी स्वास्थ्य रिलेटेड या इलाज वगैरह रिलेटेड होता है उसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंस आते हैं। जैसे किसी को वो चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग पहुँच नहीं पाते बराबर इलाज लेने के लिए। किसी के जो भी पैसों का स्टेटस है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वो बराबर से इलाज नहीं ले पाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, कोई लोग बहुत दूर रहते हैं जहाँ पर फैसिलिटीज मिलती, जहाँ पर इलाज बराबर से होता है, तो ये सब चीज़ों को हमको कम करना है। ये लोग कम कर पाएंगे जब हम लोग लोगों में जागरूकता ही बताएंगे कि कैंसर डे होता है, कैंसर बीमारी होती है, उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, कैंसर जो वर्ड है उसमें ही आता है कैन, कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं खुद कैंसर को बीट कर सकता हूँ। तो कैंसर को बीट करना है, कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसके लिए हम लोग पायोनियर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आए हैं आप लोगों को कैंसर रिलेटेड जानकारी देने के लिए और क्या ट्रीटमेंट वगैरह बता सकते हो। देश के युवाओं को अपने कब्जे में कर रखा है। कहीं के पान बना
बताओ, मैं तो यहाँ बड़े तो बड़े छोटे की छोटे की जेब में रहता हूँ, पर इन्हें क्या पता, ये लोग मुझे बड़े चाव से चबा चबा के खाते हैं, पर इन्हें क्या पता मैं इन्हें खा रहा। हारेगा कैंसर, हारेगा।
दर्द हो रहा है और आपका वेट लॉस एकदम सडन हो जाए, एकदम से वेट लॉस हो जाए, वो भी एक लक्षण हो सकता है। और भूख खत्म हो जाना, अगर आपको ये सारे लक्षण हैं तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए जिससे कि आप लंग कैंसर से बच सकते हैं। जो तंबाकू पान शराब जैसे कारणों से होती है, पर इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं कि आप कैंसर से सफल हो सकते हो, जैसे कि स्ट्रेस। क्या आप जानते हो हमारी बॉडी में कैंसर की जीन्स और सेल्स रोज बनते हैं, और जीन्स तो मौजूद ही होते हैं। तो अगर आप अपने ऑफिस में, घर में या परिवार में दोस्तों के साथ कोई स्ट्रेस से, कोई चिंता से आप सफर कर रहे हो तो वो आपके कैंसर को ट्रिगर कर सकता है। आइए जानते हैं इसको नाटक के द्वारा। आपने देखा कि मानव शरीर के अंदर 100 से अधिक प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं, लेकिन कैंसर का इलाज होम्योपैथी में है। अगर इनिशियल फेज में है कैंसर फर्स्ट स्टेज के अंदर, तो कैंसर का इलाज होम्योपैथी से हो सकता है। और सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के अंदर जब कैंसर बहुत बॉडी के अन्य अंगों में फैल जाता है, और तब रेडियोथेरापी का सहारा लिया जाता है या कीमोथेरापी का सहारा लिया जाता है, तब होम्योपैथी के। क्योंकि क्या होता है कि रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी के लेने से उसके साइड इफेक्ट भी इतने ही अधिक होते हैं, जैसे कि रेडियोथेरापी के अंदर अपने स्किन के अंदर एलर्जी हो जाना, कीमोथेरापी के अंदर एलर्जी रिएक्शन आना, और जब ये ट्रीटमेंट चलती होती है तो इतनी दर्दनायक होती है और उसका जो पेन होता है, साथ में अपना मेंटल
स्ट्रेस जो रहता है तो उसका इलाज भी हम होम्योपैथी से कर सकते हैं। और अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर है, कोई भी प्रकार का ब्लड का कैंसर हो, ब्रेन का कैंसर हो, ब्रेस्ट का कैंसर हो, या प्रोस्टेट का कैंसर हो, या स्किन का कैंसर हो, तो आप लोग होम्योपैथी का सहारा लें, क्योंकि होम्योपैथी अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैंसर फैलाने को अटका सकती है। अब कैंसर के अंदर अगर किसी को है कैंसर, तो उसके लिए पहले आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाए, उसके जाँचें कराए, जैसे कि खून का रिपोर्ट है, ब्लड का रिपोर्ट है, एक्सरे, सिटी स्कैन, पेट स्कैन, ऐसे रिपोर्ट का सहारा ले। और इसमें ऐसा है कि कैंसर है तो मगज का कैंसर है तो चक्कर आना है, अंधेरी छा जाना है, अगर मुंह का कैंसर है तो खून निकलना है, या बहुत लंबे समय तक खांसी रहना है, या पेट का कैंसर है तो लंबे टाइम तक एसिडिटी रहना, या बहुत 2-3 महीने से ज़्यादा और डायरिया हो जाना, तो ये सब अलग प्रकार के इनके लक्षण हैं। तो वो चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना कराए, जल्द से जाए और उसकी जांच कराए और उसका इलाज कराए और स्वस्थ रहे और सावधान रहे। हारेगा भाई हारेगा, कैंसर हारेगा। कैंसर को हराना है हारना नहीं, कैंसर को हराना है हारना नहीं। सभी को समझाना है घबराना नहीं, सभी को समझाना है घबराना नहीं। कैंसर को हराना है हारना नहीं, कैंसर को हराना है हारना नहीं। सभी को समझाना है घबराना नहीं, सभी को समझाना